बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होने के कई कारण हो सकते हैं। लगभग 30% गर्भवती महिलाएं इसका अनुभव करती हैं। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज को नोटिस करती हैं, तो पैनिक ना हो। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन की वजह से हो सकता है। वहीं लेट प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होना लेबर की ओर इशारा करता है। इस वीडियो के एंड तक आपको ब्राउन डिस्चार्ज और ब्लीडिंग में डिफरेंस समझ आ जाएगा और समझ आ जाएगा कि आपको कब डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स करने पर ब्राउन डिस्चार्ज होना आम बात है। दरअसल सर्विक्स सेंसिटिविटी के कारण ये हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जब फर्टिलाइज्ड एग्स यूट्रस की वॉल पर जाकर इम्प्लांट होता है, तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और ये ओव्यूलेशन के 6 दिन बाद से शुरू हो जाता है। बहुत सी लेडीज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या लेट पीरियड्स में कंफ्यूज हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइज्ड एग्स यूट्रस के बाहर जाकर फलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाते हैं, तो ब्राउन डिस्चार्ज होने लगता है। इसके साथ ही डिजीनेस, पेल्विक पेन और एब्डोमेन के एक साइड में पेन होने लगता है। ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं और कुछ स्थिति में ये प्रेगनेंसी जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें फलोपियन ट्यूब्स का रैप्चर होना या फिर इंटरनल हैमरेज होने की भी संभावना होती है। प्री लेबर डिस्चार्ज, अगर आपके ड्यू डेट से पहले आप ब्राउन डिस्चार्ज नोटिस करते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी लेबर के लिए तैयार है। 36 से 40 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा होता है, तो म्यूकस प्लग के लॉस के साथ साथ जेली जैसा फ्रेश ब्राउनिश ब्लड डिस्चार्ज होता है। सर्वाइकल पॉलिप्स, सर्विक्स में बॉडी सेल्स की असामान्य ग्रोथ जो कि हार्मलेस होते हैं, उन्हें हम सर्वाइकल पॉलिप्स कहते हैं। कई बार इनकी वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। मोलर प्रेगनेंसी, जब स्पर्म्स और एग्स गलत तरीके से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो गर्भ में एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्राउन डिस्चार्ज के साथ ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो ये एक चिंता का विषय होता है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस ट्यूमर को रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना इसके कारण कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन, कई बार STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है। मिसकैरेज, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर ब्राउन डिस्चार्ज के बाद रेड ब्लड डिस्चार्ज के साथ लोअर बैक पेन, एब्डोमेन पेन और सेवियर क्रैम्प्स होते हैं, तो ये मिसकैरेज के साइंस हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, कई बार ब्लीडिंग हैवी, लाइट, क्लॉट्स या फिर कई बार कई दिनों तक भी रहती है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। जेनिटल HPV, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा एक्सेस हो जाए और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, तो ब्राउन डिस्चार्ज होता है। मिस्ड अबॉर्शन, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर ब्राउन डिस्चार्ज के बाद रेड ब्लड डिस्चार्ज हो और साथ में लोअर बैक पेन, एब्डोमेन पेन और सेवियर क्रैम्प्स होते हैं, तो ये मिसकैरेज के लक्षण हो सकते हैं। इस ब्राउन डिस्चार्ज में बैड ऑडोर भी होता है और आपको अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी सफाई पूरी तरीके से नहीं हुई, तो आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। एबनॉर्मल प्लेसेंटा, कुछ प्लेसेंटा कंडीशन की वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा प्रीविया में जब सर्विक्स ओपन हो जाता है और उसे प्लेसेंटा कवर कर लेता है, तो ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन उसमें पेन नहीं होता। प्लेसेंटा एब्रप्शन में यूट्रस और प्लेसेंटा दोनों अलग हो जाते हैं और ब्राउन डिस्चार्ज के साथ साथ पेन भी होता है। डोंट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी भारी और वजनदार सामान ना उठाएं। गेट सम रेस्ट, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट बिल्कुल ना करें, भरपूर नींद लें और हो सके तो दिन में भी नैप जरूर लें। टेस्ट एंड स्क्रीनिंग, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल भी मिस ना करें और अगर आपके डॉक्टर आपको कोई भी टेस्ट बताती है, तो उन्हें टेस्ट को करवाने के लिए कभी भी केयरलेसनेस ना दिखाएं, उन्हें याद से करवा लें और रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करें। डोंट एक्सरसाइज टू मच,
प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव और फिट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने आप को एक्सेसिव वे में एग्जॉस्ट कर ले। बॉडी में अगर वर्कआउट एक्सेस हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकेशन, किसी भी टाइप के ब्राउन डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें और सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी स्ट्रेंज बॉडीली चेंज के लिए अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। वॉटरी डिस्चार्ज, अगर ब्राउन डिस्चार्ज के साथ वॉटरी फ्लूइड या फिर कुछ भी लंपी सब्सटेंस एक्सपेल होता है तो अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। ये मिसकैरेज का साइन भी हो सकता है और डॉक्टर आपको डी एंड सी की सलाह भी दे सकते हैं। क्वांटिटी, किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिस्चार्ज सैनिटरी पैक की लिमिटेशन से बाहर हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। डिस्कम्फर्ट, अगर ब्राउन डिस्चार्ज के साथ आपको फीवर, चिल्स, क्रैम्प्स, डिस्चार्ज में बैड ऑडर और अनब्यूरेबल पेन हो जाए तो आप अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल भी वेट मत करिए। ड्यूरेशन, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या फिर कोई मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद लगातार एक हफ्ते तक ब्राउन डिस्चार्ज हो तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि ये एक यूजफुल वीडियो है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और उसी के साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे थ्रू आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।